नमस्कार दोस्तों, गुरुजी एन ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक है वो है सांबर या शाकंभरी के चौहान। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जाके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इनकी उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे। इनकी उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो ये बताती है, पृथ्वीराज रासो ये बताती है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, क्योंकि जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था और वहाँ पर चार राजपूत योद्धा पैदा हुए थे। लिख देता हूँ, एक ऋषि हुए थे वशिष्ठ, उन्होंने आबू पर्वत पर कोई यज्ञ किया बताया और वहाँ पर चार ये योद्धा प्राप्त हुए थे। प्रतिहार राजपूत योद्धा थे, परमार चालुक्य और चौहान। तो पृथ्वीराज दासों के अनुसार ये चार जातियों में से एक थे, ठीक है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इस बात का जो समर्थन है वो नैणसी करते हैं, मूर्ण नैणसी भी करता है और सूर्यमल विसरण करता है, ठीक है। ये दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि पृथ्वीराज दासों के अनुसार ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा हुए थे, एक डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने क्या बताया, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर वो ब्राह्मण वंशीय मानते हैं, ब्राह्मण वंशीय मानते हैं, ठीक है। किसके आधार पर, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर, और बिजोलिया शिलालेख का जो लेखक था वो था गुणभद्र। तो आपको एडिशनल बात मैंने यहाँ पर बता दी, आप यहीं याद कर लेंगे कि बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इन्हें ब्राह्मण वंशीय बताया और बिजोलिया शिलालेख का जो लेखक था वो गुणभद्र था। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज विजय हुए थे, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो, गौरी शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर और हीरानंद ओझा, इन्हें क्या मानते हैं, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। कौन कौन मानते हैं, पृथ्वीराज विजय हुआ था, हमीर महाकाव्य हुआ था, हमीर रासो, और हमीर रासो ये पुस्तक थी, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय और डॉक्टर गौरी शंकर और हीरानंद ओझा, इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। उसके अलावा दोस्तों, कर्नल टोड, टोड आपको आप जानते हैं कौन, टोड के बारे में, स्मिथ, कुक, ये विद्वान क्या मानते हैं, इन्हें विदेशी मानते हैं, क्योंकि इनका जो पहनावा था वो उस प्रकार से झलकता था कि ये विदेशी जाति है। चलिए दोस्तों, ये हो गई इनकी उत्पत्ति के बारे में। अब अपन पढ़ लेते हैं इनके क्षेत्र के बारे में कि इनका कौन सा क्षेत्र था। तो इनके क्षेत्र के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसा कि नाम से ही मालूम है कि सांबर या शाकंभरी के चौहान पढ़ रहे हैं, तो इनका क्षेत्र निश्चित तौर पर सांबर के आसपास होगा, सांबर ही होगा। तो इनकी जो क्षेत्र था वो था सपाल दक्ष, यानी सांबर, सांबर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ बसाई थी, अई छत्रपुर, नागौर का पुराना नाम है दोस्तों, अई छत्रपुर, ठीक है, नागौर का पुराना नाम, ठीक है। इनका जो संस्थापक माना जाता है वो कौन है, वासुदेव, 551 ईस्वी के में इसकी स्थापना की थी। इस वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया था। इनकी खास खास बातें ध्यान रख लेते हैं, सांबर झील का निर्माण इस वासुदेव ने करवाया था। चलिए दोस्तों, उसके बाद में जो शासक हुआ था, इंपॉर्टेंट शासकों की बात करूंगा, क्योंकि शासक और भी खूब हुए थे पहले शुरुआती दौर में। गुवेक फर्स्ट, जिनकी जानकारी अपने को मिलती नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी गुवेक फर्स्ट एक शासक हुए थे। उसने क्या किया था, सिकर में जो हर्षनाथ का मंदिर है वो उसका निर्माण करवाया था, बस हर्षनाथ मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। उसके बाद में जो सिंहराज हुआ था, सिंहराज, उसने चौहानों का जो प्रथम स्वतंत्र शासक कहते हैं, प्रथम स्वतंत्र शासक, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, विग्रहराज सेकंड हुआ था एक, ये मैं इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इतिहास को जोड़ने से पहले आपको एक भूमिका बनाई जाती है, वो भूमिका बना रहा हूँ मैं। ये 956 के आसपास सपालदक्ष का शासक बना था। अनहिल पाटन के प्रसिद्ध जो चालुक्य शासक थे, मूलराज फर्स्ट को इसने हराया था। अनहिल पाटन के शासक थे मूलराज फर्स्ट, उसने इसको, इसने मूलराज फर्स्ट को हराया था। एक तो इसकी ये खासियत है
और एक बड़ौंज में एक कुलदेवी है इनकी, आशापुरा माता का इसने मंदिर बनवाया था, आशापुरा माता का बड़ौंच में मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसका वर्णन 973 ईस्वी के हर्षनाथ के अभिलेख से प्राप्त होता है। ये कुछ मैंने आपको स्पेशल जानकारी दे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अजय राज एक शासक हुए थे यहाँ के, उसने क्या किया था यहाँ पर कि इसने 1113 के आसपास अजयमेरु यानी अजमेर शहर बसाया था। 1113 के आसपास अजमेर शहर बसाया था, नाम पहले क्या था, अजमेरु। ठीक है, और इसकी राजधानी बनाया था इसने, ये राजधानी नागौर से स्थानांतरित हो गई दोस्तों, इसने नागौर से अजमेर को इसने राजधानी और बना दिया। ठीक है, और अजय राज ने एक और काम किया था, इसने अजय राज श्री अजय राज नाम से चांदी व तांबे के सिक्का चलाए थे। श्री अजय राज नाम से, अजय सॉरी अजय राज लिखना भूल गया, अजराज लिखी गया, अजय राज नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। चलो ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक हुए थे अरुणोराज, ये हुए थे दोस्तों 1133 से लेकर 1153 के बीच में। ठीक है, कुछ बुकों में ये दिया गया है कि ये जो अजय राज के उत्तराधिकारी थे अरुणोराज, ये 1155 तक भी थे, तो इतिहास दोस्तों अलग अलग बुकों में अलग अलग बता रखा है, तो मैं ये मानूंगा 1133 से 1153 तक ऑथेंटिक बुक से मैंने ये पढ़ा है, लेकिन फिर कुछ बुकें ये बताती है 1155 तक इन्होंने शासन किया था। और उसके बाद में इनकी बात कर लेते हैं, अरुणोराज ने इन्होंने क्या किया था, आनासागर झील, ठीक है, आनासागर झील का निर्माण करवाया था और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इनकी जो हत्या थी वो किसने कर दी थी, इनका एक पुत्र था जगदेव, जगदेव कह लीजिए जयदेव कह लीजिए, इतिहास जयदेव जगदेव दोनों बताता है, तो इन्होंने पुत्र ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, ये इनकी बेसिक है। उसके बाद में इतिहास में कुछ बुकों में ये लिखा हुआ है कि 1155 से लेकर 1158 तक ये जगदेव खुद गद्दी संभाली इसने, और कुछ बुकों में नहीं भी मिलता दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इतिहास है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उत्पत्ति के बारे में इनको अभी भी असहमत हैं सारे जो विद्वान हैं, वो सारे असहमत हैं, कुछ कोई अग्निकुंड से बताता है, कुछ सूर्यवंशी बताता है, कुछ ब्राह्मण वंशी बताता है, तो इतिहास खुद असमंजस में है कि ये कौन सी उत्पत्ति से कौन से वंश के थे, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट शासक हुए थे यहाँ हुए विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इन्होंने 1153 से लेकर 1163 तक शासन किया था, कुछ बुकें ये बताती है कि ये 1158 में बने थे और 1163 तक शासन किया था, तो ये दोनों सी बातें आप याद रख लेना, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है दोस्तों, 1153 से लेकर 1163 तक। और इनका जो नाम, इन्हें अपन क्या कह सकते हैं, बिसलदेव भी कहते थे, बिसलदेव। इन्होंने क्या किया था, जो वर्तमान टोंक है वहाँ पर बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था, वर्तमान टोंक में बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। और इन्होंने क्या, एक लड़ाई लड़ी थी दिल्ली के जो शासक थे तोमर शासक को हराया था, और पहला दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहान शासक बना, इसने तोमर शासक को हराया दिल्ली में, खास खास बातें बता रहा हूँ दोस्तों इसकी, तोमर शासक को हराया और पहला जो चौहान बना वो दिल्ली पर शासन करने वाला, और गजनी के शासक था एक खुसरू शाह, अमीर खुसरू शाह उसे अमीर भी कहते थे, उसको हराया इसने, तो लिख देता हूँ गजनी का शासक था खुसरू शाह, उसको हराया। ठीक है, और ये विद्वानों का बहुत ही बड़ा आश्रयदाता था, इनके दरबारी कवि थे सोमदेव, विद्वानों का आश्रयदाता था इसलिए इनके दरबारी होंगे, दरबारी कवि थे एक सोमदेव, उसने क्या लिखी थी, हरिकेली नामक, सॉरी हरिकेली इन्होंने खुद ने लिखी थी, सॉरी ललित विग्रह राज नाम की नाटक की रचना की। ठीक है, और जानक भट्ट ने इनको कवि बांधव की उपाधि थी, किसने उपाधि दी थी, जानक भट्ट ने, जानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी थी, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके अलावा विग्रह राज ने खुद ने हरिकेली नामक एक नाटक की रचना, हरिकेली नामक नाटक की रचना की, वो किस पर आधारित था, वो बारहवीं की एक पुस्तक थी, बारहवीं की एक पुस्तक थी किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम
जूनियम, ठीक है। इस पर ये बारहवीं की एक पुस्तक आधारित थी, इसने हैरी केली ने एक नाटक की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद में इसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। कुछ बुकों में ये दिया हुआ है कि उस संस्कृत पाठशाला का नाम था संस्कृत सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। तो अपन मोटा मोटा ये याद कर लेंगे कि संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। फिर इसको जो मोहम्मद गोरी के एक सेनापति था, गोरी का सेनापति सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ऐबक साहब आए और तोड़ दिया साहब, जो उसको पाठशाला को तोड़ दिया और किस में कन्वर्ट कर दिया, 2.5 दिन के झोंपड़े में कन्वर्ट कर दिया। ये इनकी इम्पोर्टेंट बात थी। और इसके अलावा इनके काल में, इसके काल को चौहान वंश का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चौहान वंश का स्वर्ण काल इनके इस शासनकाल को कहा जाता है। उसके अलावा ये पहले शासक थे जिन्होंने ना पशु हत्या पर पाबंदी लगाई थी, और पशु हत्या पर पाबंदी किसके कहने पर लगाई थी, एक जैन विद्वान हुए थे धर्मघोष सूरी, उन्होंने कहा था कि आप पशु हत्या पर पाबंद लगा दीजिए। तो इनके निवेदन पर इन्होंने पशु हत्या पर, जय धर्मघोष सूरी थे, इन्होंने इनके निवेदन पर इन्होंने पशु हत्या पर पाबंदी लगाई थी। तो दोस्तों अपन ने अजमेर के चौहान थे उनमें से अपन ने विग्रहराज तक तो चतुर्थ तक अपन ने पढ़ लिया है, उसके बाद में एक शासक हुए थे पृथ्वीराज थर्ड, उनकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये लिंक जो नेक्स्ट वीडियो का है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो ये बहुत ही लंबा बन जाएगा और फिर रोचकता नहीं रहेगी दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बताऊंगा ओनली। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्प्रेड कीजिए, फैला दो यार दोस्तों।